अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरीन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, ख्याल वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको हमें अपने जुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं जी आप? भले चंगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट उस कमेंट का जवाब दूंगी जो हमें फैमिली व्लॉगिंग पे आया है। तो उन्होंने कहा है जी कि आप, मुझे लगता है किसी आबादी में रहते हैं, इछरे की आबादी में रहते हैं। और क्या कहा है? घर कितना गंदा, आपका घर कितना गंदा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, लाखों करोड़ों शुक्र। ना हमने झूठ बोला है कि हम कोठी में रहते हैं और ना हमने झूठ बोला है कि हमारी ज़मीनें जायदादें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो ना ही हमने कहा कि हम किराए के घर में रहते हैं। जो दिया अल्लाह का करोड़ों शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छत दी है। तो मुझे तो उन बेचारों पर इतना तरस आता है जो किराया देते हैं और हर मंथ किराया देना, बिल देने, उसके बाद खाना पीना। तो मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कि अपना घर है। तो जी ये आपको जवाब मिल गया। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप मुझे एक प्यारा सा घर बना के दे दें सिर्फ मेरे लिए, किसी का नहीं देना कि मैं किसी का हक ना खा जाऊं। तो अल्लाह ताला ना मुझे किसी का हक खिलाए, सिर्फ मेरे लिए दे, आप मुझे घर बना के दे दें। मैं इंशाल्लाह ताला उस घर में शिफ्ट हो जाऊँगी, या मुझे अपने घर की तस्वीर दिखा दें कि आपका घर कैसा है। घर बहुत प्यारे होते हैं, घर इंसानों से बनते हैं, घर जो घर के अफराद होते हैं उनसे बनते हैं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चार बच्चे दिए, दो बेटे दो बेटियाँ, फरमा बरदार औलाद, ये लाखों करोड़ों शुक्र। तो जी ये आपकी तसल्ली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा फिर मैं आपको अगला जवाब दे दूँगी। तो जी और किसी ने कहा कि ये गीबत होती है तो बोहतान होता है, तो ये बोहतान होता है जो कोई काम ना करे तो वो बोहतान बात करे वो बोहतान होती है। गीबत वो होती है जो पीठ पीछे की जाए, किसी को पता ना चले। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इनकी गलतियाँ नोट कर रहे हैं और हम वीडियो भी बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये हमारी वीडियोस देखते हैं, उनके घर तक पहुंच रही हैं और वो बड़ी इसलाह भी करते हैं इस बात की। तो जी अभी मैं आपको एक पॉइंट नोट करके बताऊंगी जो मेरा की तो बाद में करेंगे। तो जी काफ़ी दिन पहले हमारी जो समेरा है उसने वादा लिया था अपने व्यूवर से कि आप मुझे मेरे साथ वादा करें कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, सपोर्ट करेंगे कि मैंने अपना घर बनाना है। तो जी आज उन्होंने कहा कि मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप चौक आजम वाला घर कब बनाएंगे। तो जी मैंने ये उसने बात सच्ची की है कि जब रसूल्ला भी ने गाड़ी ली थी और एक प्लाट, तो मैंने कहा था घर बनाए, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं ये रेंट पे चलाऊंगा और अपना चैनल भी चलेगा तो घर बना लेंगे। तो जी गाड़ी तो एक दिन भी नहीं रसूल्ला भी ने चलाई, रेंटर पे तो कोई नहीं चलाई चलूई कुछ भी नहीं किया, गाड़ी तो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ली है। तो फिर उन्होंने कहा जी आपने मेरे साथ वादा किया था तो आपने तो बहनों ने वादा पूरा नहीं किया, तो मेरी वीडियो ने देखी तो मैं घर कैसे बना सकती हूँ। तो देखे ये बोहतान लगाया उन्होंने व्यूवर्स पर, क्योंकि व्यूवर्स ने तो उनके साथ वादा ही नहीं किया था, उन्होंने वादा लिया था। हम तो रोज वादा ले रहे हैं, देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो वादा कर रहे हैं। हम तो रोज़ वादा ले रहे हैं कि लोग कहते हैं आप व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग तो हमारा तो प्रवीण फैमिली व्लॉग भी है, हम तो रोज़ाना दुहाई दे रहे हैं जी आप प्लीज़ हमारी ब्लॉगिंग वाले चैनल पे भी आ जाए, उसको भी देखे। तो देखे हम वादा ले रहे हैं, आप वादा नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों कहूँ कि आपने मेरे साथ वादा किया था। तो जी दूसरा उन्होंने कहा कि मतलब किसी भाई को उन्होंने जवाब दिया जिन्होंने पहले कहा था कि घर बन गया तो आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया था। तो आज उन्होंने बताया कि मुझे लगता है इस घर पे अभी कम से कम 6 महीने या साल लग जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ा घर बन रहा है, सेटअप चल रहा है। तो उन्होंने सुमेरा ने जो आज एक नई बात की है कि लोग जब देखते हैं तो वो आके कहते हैं जी ये पाकिस्तान वाले का घर नहीं गया, बाहर के मुल्क वाला कोई घर बना गया। तो मतलब ये देखा जाए तो एक ज़मीन है, उनकी अपनी ज़मीन है, घर बना रहे हैं तो आप कभी आके देखें। अब हमारे लाहौर में जो लोग घर बनाते हैं माशाल्लाह से बंदा दंग रह जाता है। तो और जिसको हमारे कहा गया कि कच्ची वादी में रहते हैं आप उसके साथ साथ आकर देखिए कितनी कितनी
खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे भी जहाँ हमारा घर है ना, यहाँ भी यकीन करें करोड़ से नीचे घर नहीं है। तो वो बंदा सोच नहीं सकता कि घर बनाना कैसे है, लेना कैसा। तो गांव में कह दिया है आज मेरा ने कि घर लाखों से नहीं करोड़ों से बनते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मेरा बेटा कहता आप पूरा एड्रेस बताते हैं, ये ना कोई छापा मार ले। तो बिल्कुल जी, दिल वाला हॉस्पिटल मेरे घर के पास है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपने घर दे जिसको जो अता किया है, अल्लाह ताला की रज़ा पे जो राज़ी हो गया तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं है। तो दूसरा जी मेरा के लिए जो हमें कमेंट आए हुए, तो आज उन्होंने भी बता दिया जी, अली ने मैं कन्ना च पाने वास्ते ना एयर रिंग लेके दी है। तो जी एयर रिंग होते ही कानों में डालने वाले हैं, और बंदा कहाँ डाल सकता है, नाक में तो डाल नहीं सकता। तो वो बहनों को बहुत पसंद आए हैं। तो मैंने तो सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं, तो इन्होंने फ़ौरन डिलीट कर दिए वो कमेंट। तो अभी आया हुआ था कमेंट भी कि इनको जो भी बैड कमेंट करता है ये साथ साथ उनको डिलीट करते जाते हैं। तो क्या ये फिर उम्रा करने गए हैं कि वहाँ ये सिर्फ अपनी वीडियोस पे फोकस रख के खड़े हैं, वीडियोस पे फोकस रख रहे हैं और साथ में कमेंट्स पे जी जो जो गलत कमेंट करता है साथ साथ। तो कोई बात नहीं, अभी लोगों को कर लेने दे, फिर क्या हो गया। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं कमेंट आया था कि जब उधर जाते हैं ना दीनम नुबरा मतलब तो हो जाता है। तो मुझे पहले लोगों ने बताया था कि मक्का मुअज्जमा में माशाल्लाह से मौसम गर्म होता है और दीनम नुबरा में एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है। तो लोग फिर थोड़ा सा वो एहतियात नहीं करते। और मुझे बल्कि एक मेरी जानने वाली है तो वो उम्रा करके, तो वो बता रही थी मुझे बहुत खांसी लग गई थी ना दीनम नुबरा जब मैं आई, तो मुझे बहुत खांसी लगी थी। और जब वापस आई ना तो उसके भी महीना बाद वो ठीक हुई थी। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बता रही थी मेरा मुझे भी बुखार है, वाले साहब को भी बुखार है और अली को भी बुखार है। तो अल्लाह ताला जी उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मम्मा मुझे कमेंट आया हुआ था कि मेरा ने कल बाया पहना हुआ था, उसको उससे नज़र लग गई होगी क्योंकि इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है ना, और सबको नज़र लगती है माशाल्लाह। ऐसी बात है। और अली भाई ने चिट्टी टोपी ली हुई थी, उनको इस वजह से नज़र लग गई है। तो अभी तक तो कोई बात ही नहीं है, जब ये आएंगे ना यहाँ पे तब इनकी असल वीडियो शुरू होंगी। जी सही कहा, इन्होंने जब गिफ्ट देने हैं ना इन्होंने वीडियो बनानी, फिर जो जिनको गिफ्ट मिलेंगे वो सारे वीडियो बनाएंगे। तो जी हमें ये भी कमेंट आया हुआ था कि मतलब कि जो मैं विश अपने वालदा पे वालदान पे बहुत मतलब इन्होंने बोझ डाला और बड़ा काम करवाती। तो जी उनकी वालदा खुद बड़ी खुश है, जब कोई सामान का नाम लेता तो वो भी इनको इतना गुस्सा लगता है और वो इस तरह उंगलियाँ दिखाती हैं बेटी के साथ बैठ के। तो वो खुश हैं तो वो कर रही हैं, या उनके काम के ऊपर भी कोई बात करता तो उनको वो भी बुरा लगता है, वो कहती है क्या करें जी मेरे बच्चे हैं। तो माँ जब औलाद ढीट हो ना अच्छी हो तो फिर माँ बाप ने तो करना ही होता है काम में काम। तो उधर ये लग गई है एक शर्त इन दोनों की, उधर अनाया फातिमा काम नहीं करने देती तो वो जो है रोती रहती है। तो आज हीरा इधर हीरा भी नहीं काम करने देती, आज हीरा की मम्मा ने भी कहा हीरा मुझे कोई काम नहीं करने देती, इसीलिए मैंने बच्चों का नाश्ता बना के दिया और सारा वक्त मैंने हीरा को पकड़ के रखा है। मेरी भी तबीयत खराब है, तो अभी इनके घर के काम कौन करेगा मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब आ जाके हुमैरा की वालदा साहबा बेचारी करेंगी काम, दोनों बहुओं को हंडिया भी बना के देंगी, रोटियां भी बना के देंगी, सारे काम करेंगी। तो अब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, दोनों बच्चियों की माँ है, अब देखें ये बच्चियाँ क्या करती हैं, इनको आगे काम भी कुछ करने देती हैं कि नहीं। बाहर का तो इन्होंने क्या करना, मुझे तो लगता है ये खाना शाना नहीं बच्चियाँ इनको बनाने देंगी, में बात पड़ जाए। हाँ जी, तो वैसे कमाल ही हो गई है। माएँ तो साल साल में भी बच्चे होते जाते हैं, तो बच्चे माएँ पालती भी हैं, घर भी संभालती, जहाँ कोई नहीं संभालने वाला होता वहाँ भी माएँ बच्चों को संभालती भी हैं, काम भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं। मैं तो इन लोगों को देख के हैरान हूँ। अगर ऐसी बातें पॉइंट नोट करते हैं या बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो जी प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ना देखा करें, इसलिए कि ये कंटेंट हमें दिया, रिएक्शन का कंटेंट भी हमें यूट्यूब ने दिया, जिस तरह उन्होंने ब्लॉगिंग का दिया, जिस तरह लोगों को कुकिंग का दिया, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो इनकी इतनी ज़मीनें हैं जायदादें, ये छुपा छुपा के इनके बागात हैं, इनकी हर चीज़। और ये जब कोई बात होती है तो ये कह देते हैं जी हम बीमार हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हमारी अर्निंग नहीं आएगी तो हम मेडिसिन कहाँ से लेंगे। या मैविश की जब बेटी हुई है तो उसने फ़ौरन रोना पिटना डाल दिया, अब तो मेरी बच्ची भी होगी, मेरा चैनल ना चला तो मैं क्या करूँगी। तो मेरा ने फ़ौरन से कहा हाय माँ सदके जाए, मेरी धी के कारण अल्लाह ताला ने धी दी है तो एड्डी परेशान होगी, असं बड़े बैठे हैं ना तो वीडियो चलाने वास्ते,
तो जी इनके पॉइंट नोट करना, अगर आपको गीबत लग रहा है या बुराई लग रही है तो आपकी मर्जी है। ऐसे लोग जो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं, हर चीज़ को, जब ये घर बना के फिर इनकी शौकियाँ नहीं ख़त्म होती, जी हमारे पास ये भी है, करोड़ों का घर है, फलां है, ये है वो, और जब इनका दिल करे तो ऐसे गरीब मस्किन बन जाते हैं। तो हम इन पर बात कर रहे हैं, हम कोई झूठ ना बोल रहे हैं, ना बहुत कान लगा रहे हैं, ना किसी के कानों में आके बात कर रहे हैं, ना किसी के घर जाके बात कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें ये कंटेंट दिया है रिएक्शन का। हमारी बड़ी खूबसूरत फैमिली है जो हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें देखती है, और बल्कि जो हमसे मिस होते हैं पॉइंट वो हमें बताते हैं आके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, गद्दों में याद रखे, काबू में दो में, और तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।